हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम जो टॉपिक देख रहे थे वो था हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसमें हमने दो टाइप के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम बाकी के प्रोटोकॉल्स देखेंगे। आज जो हम प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं उसमें सबसे फर्स्ट है FTP। इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी हमने, नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो केवल और केवल फाइल को ट्रांसफर करेगा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मान लीजिए हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जिसको फाइल को ट्रांसफर करना है, और ये हमारा FTP सर्वर है। ये FTP क्लाइंट और FTP सर्वर। नाम इसलिए हमने दिया क्योंकि क्लाइंट सर्वर तो हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, बट यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे FTP क्लाइंट और FTP सर्वर नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे प्रोटोकॉल जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनेट के रेस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं। जहां पे इंटरनेट का यूज होगा तभी हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कि अगर इस क्लाइंट को कोई फाइल ट्रांसफर करना है तो इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, या कोई फाइल ट्रांसफर करना है इस सर्वर के ऊपर, ठीक है, इस इंटरनेट का यूज करके, तब इसे कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली अगर बात करें तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब भी आप इंटरनेट का यूज करके कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं तब जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, बहुत पुराने टाइम से इसका यूज किया जाता है, आज भी इसका यूज काफी सारी जगहों पे होता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए उस वेबसाइट की कई सारी फाइल्स होंगी जिन्हें आपको सर्वर पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो उस फाइल को कई सारी बड़ी बड़ी फाइल्स को आपको जब सर्वर पे अपलोड करना है तो सर्वर पे अपलोड करना, वहां से रिमूव करना, वहां से डिलीट करना, मतलब फाइल के रेस्पेक्ट में जो भी सारे काम करना हो, चाहे उस फाइल को अपलोड करना हो, उस फाइल को डिलीट करना हो, ठीक है, या उस फाइल को आपको डाउनलोड करना हो, कुछ भी फाइल से रिलेटेड काम अगर आपको इंटरनेट के ऊपर या सर्वर के ऊपर करना है तो आपको कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी? FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको समझ में आया FTP प्रोटोकॉल क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है SMTP। नेक्स्ट है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहां इसके डायग्राम की बात करें तो सेम डायग्राम बन जाएगा। यहां पे हम बोल देंगे SMTP क्लाइंट है और SMTP सर्वर है। और इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ईमेल। देखिए अब समझिए SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है मेल, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईमेल की, ठीक है। अगर आपको कोई मेल ट्रांसफर करना है, जैसे कि हम ऑब्वियस सी बात है कि हमको अगर मेल ट्रांसफर करना है तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मेल भेजते हैं, या दूसरी जगह से अगर कोई मेल आया तो उस मेल को रिसीव भी करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो पा रही है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल एक्सचेंज करने के लिए अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो क्या होगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जहां पे भी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल एक्सचेंज करना हो, चाहे उस मेल को सेंड करना हो, चाहे उस मेल को रिसीव करना हो, डेटा को सेंड करना हो या रिसीव करना हो, ठीक है। पर डेटा का पैटर्न क्या होगा यहाँ पे? मेल। अभी मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मेन काम तो TCP का है कि डेटा को ट्रांसफर करना और रिसीव करना, लेकिन उस डेटा की कैटेगरी डिवाइडेड है ना। अगर फाइल की बात करेंगे तो आप SMTP का यूज नहीं कर सकते, तब आपको FTP प्रोटोकॉल को यूज करना है।
अगर आपको मेल एक्सचेंज करना है उस कंडीशन में आप एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। तो मेल एक्सचेंज के लिए बेसिकली हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद थर्ड जो प्रोटोकॉल है, नेक्स्ट आज का जो प्रोटोकॉल हम देखेंगे वो है एचटीटीपी। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस होता है जो आपको उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाता है। तो वहां पे आपने देखा होगा ये http.. ऐसा लिखा आता होगा और उसके बाद आपने जो भी चीज सर्च की है उसका नाम लिखा आता होगा। तो ये http क्या है? प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसका मतलब, इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि ये इस प्रोटोकॉल का यूज करके ही हम कोई चीज सर्च कर पा रहे हैं। आप कुछ भी सर्च कीजिए, आप नेट पर जाके कुछ भी सर्च करेंगे, उस चीज के नाम के पहले आपको ये एचटीटीपी लिखा हुआ दिखेगा। अभी आप वीडियो खत्म होने के बाद अपना मोबाइल उठा के आप सर्च करें, अगर आपने, वैसे तो आपने देखा होगा पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब एक बार आप वापस देखिएगा। तो ये जो एचटीटीपी क्या है, ये प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जा रहा है हम कुछ भी चीज सर्च करने के लिए। अब वो कैसे है, पूरी प्रोसेस हम आप भी देखेंगे। सबसे पहले एचटीटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर इसके डायग्राम की बात करें तो सिंपल हम वैसे ही लिख सकते हैं एचटीटीपी क्लाइंट, और इधर हो जाएगा एचटीटीपी सर्वर। जो एचटीटीपी क्लाइंट है हमारा, वो कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसको, एचटीटीपी सर्वर को, और एचटीटीपी सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब उस जो उसने क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर एचटीटीपी सर्वर प्रोवाइड कर रहा है एचटीटीपी क्लाइंट को। अब ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है उसका काम है वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन करवाना वेब सर्वर से। जब भी हमें वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन वेब सर्वर से करवाना होता है तब हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? एचटीटीपी। अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो बहुत बाद में आने वाला है, बट अब यहाँ पे आया है तो ये वर्ड आया है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। वेब ब्राउजर वो होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, है ना, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ये सब वेब ब्राउजर है जिसका यूज करके आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो। तो जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो, अभी हमने क्या बोला कि एचटीटीपी डेफिनेशन के वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन करवाना वेब सर्वर से, ठीक है। तो अभी तो हमको ये समझ में आया वेब ब्राउजर क्या, सर्चिंग इंजन बोल सकते हैं ना, जिसके थ्रू हम कुछ भी टॉपिक इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो ये वेब ब्राउजर, जैसे ही आपने वेब ब्राउजर, किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर कुछ भी टॉपिक लिखा, मान लीजिए आपने लिखा इमेजेस ऑफ फ्लावर, तो सबसे पहले वहां पे एचटीटीपी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका इमेजेस ऑफ फ्लावर दिखाएगा। इसका मतलब ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, इस वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन करवा रहा है ना, क्योंकि वेब ब्राउजर के थ्रू आप सर्च कर रहे हो। ये उठा के, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल इस टॉपिक को उठा के कहां पे ले जाएगा, वेब सर्वर। वेब सर्वर वो जगह है जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। हम जो भी चीज सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर पहले से स्टोर्ड रहती है, ठीक है ना। तो उस स्टोर्ड डेटा को उठा के वो आपके सामने, या आप जो भी अगर मोबाइल का यूज करें, कंप्यूटर का यूज करें, तो आपके सामने वो इमेजेस ऑफ फ्लावर लाके रख देगा। मतलब या आपने कुछ भी चीज सर्च करी तो आपके सामने वो शो हो जाएगी। तो क्या हुआ, इस वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन करवाया वेब सर्वर से। वेब ब्राउजर जिससे आप डेटा को सर्च कर रहे हैं, वेब सर्वर वो जहां पे डेटा आपका स्टोर्ड है। इमेजेस ऑफ फ्लावर इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगी, इमेजेस ऑफ बाइक्स अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर स्टोर्ड होगी। इसे अगर आप कुछ भी चीज सर्च कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर स्टोर होगी। तो इसलिए वेब ब्राउजर का कम्युनिकेशन वेब सर्वर से करवाया जाता है, इसके लिए हमको एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, और वो प्रोटोकॉल है हमारा
HTTP Hypertext Transfer Protocol। ठीक है, तो आज हमने तीन प्रोटोकॉल देखे, SMTP, FTP और HTTP। और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स बाकी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3-4 वीडियो हमारे बन जाएंगे प्रोटोकॉल्स पे, तो बाकी के सारे प्रोटोकॉल्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।